नमस्कार, संजय सर मैं आपसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 19 है। ये रेलवे के लिए हमने एक सीरीज चालू की है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पेपर्स और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम चाहते हैं कि आप रेगुलर इस सीरीज को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, एक्स वाई जेड किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन तथा 90 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को एक्स कितने दिन में पूरा कर लेगा यदि उसे हर दूसरे दिन वाई तथा जेड सहयोग प्रदान करे। क्या करें, पहले दिन जैसे करता है एक्स तो दूसरे दिन कौन करेगा, वाई जेड उसकी मदद करेगा। यही साइकिल आगे भी चलता रहता है। तो देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स काम करता है 30 दिन में, 45 दिन में और ये 90 दिन में। 30, 45, 90 का लासा कितना, 90 आ जाएगा, 90 हो गया। 30 से डिवाइड करिए, ये टोटल 90 यूनिट हो गया कार्य। 30 या 90, 45 दुना 90, 90 कम 90, क्लियर है। तो फर्स्ट डे कितना कार्य हो जाएगा, फर्स्ट डे एक्स करेगा तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। कितना करता है, 3 यूनिट। सेकेंड डे जब आएंगे, सेकेंड डे तो तीनों काम करेंगे, एक्स वाई और जेड, हर दूसरे दिन वो मदद करेगा, क्लियर है। तो कितना कार्य हो जाएगा, सॉरी 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट। अब आप देख लीजिए ओवरऑल 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 2 दिन में 6, 3, 9 यूनिट कार्य हो जाएगा, क्लियर है। 9 से आप 90 को डिवाइड कर दीजिए, 9 उदाहरण 90 तो कितना आया, 10। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे एक एक दिन छोड़कर कार्य होता था वही ये तरीका है। ये तरीका हम आपको सिखाते हैं, 10 दुना 20 दिन में कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। 20 दिन में कितना, 90 यूनिट। तो टोटल डेज कितना लगेगा, 90। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने बचत खाते में 2000 रुपये जमा करता है जिस पर उसे अर्धवार्षिक सीआई पर, सीआई कैसा है, अर्धवार्षिक है, 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसके खाते में कितनी धनराशि हो जाएगी, मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना है इसमें, ठीक है। तो मूलधन यहाँ पे दे रखा है ₹2000, टाइम दिया है एक वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना, 20%। ये वार्षिक दे रखा है, कैसा है, वार्षिक, लेकिन देय क्या है, हाफ ईयरली। तो यहां पे जैसे 20% है, 20% वार्षिक सालाना देना है, तो एक साल में छमाही अगर दे हो तो एक साल में कितनी, 2 छमाही होती है, तो ये ₹20 कितना, 2 बार में देना है तो कितना, 10 रुपए देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10% छमाही या हाफ ईयरली। और यहां से कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही, क्लियर है। तो ये रेट हो जाएगा 10%, इसको हम लिख सकते हैं 10/100, 0 0 कैंसिल, ये है पी, ये है सी आई। अगर हम इस मेथड को और आगे बढ़ाते हैं तो ये तरीका आपको सिखाया है कि पी और ए, मूलधन 10, 10 और 1 11, टाइम कितना, एक वर्ष तो था लेकिन छमाही दे था, तो कितनी छमाही हुई, 2 छमाही, पावर 2 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 100, ये 121। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूलधन दिया है 2000 रुपये,
तो भाई 2000 रुपये अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर के लिए मूलधन कितना है 100 यूनिट, ये 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000 रुपये की। एक यूनिट फाइंड कर लेते हैं, दो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा 20। हमें मिश्रधन निकालना था तो मिश्रधन कितना है यहाँ पे 121 है, यहाँ से हम निकालेंगे 121 इक्वल टू 20 इंटू 121 0242 2420 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये भी बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने फारसी कालीन 1235 रुपए में खरीदी, 1500 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 1500 माइनस 1235 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पे 9 में से 3 6 4 265। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट 265 का और 1235 इनटू 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 25 पाँच तीन 15, 5 दूना 10, 5 चुको 20, 5 सते 35, तो ये हुआ। और इसको लगभग में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21.46%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे, तो ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये है 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336, इसको हल करना है। तो ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, उन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 5 9 5 14 14 में से 3 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, लास्ट में 8 कहाँ आ रहा है, बी में आ रहा है, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहे हैं 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 5 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 और 6 टाइम्स यहाँ पे 9 है, इनटू में 9 9 9 9 9 9 9 6 टाइम्स है। तो इसको हम इजी मेथड से करते हैं, इसको कम्प्लीटली ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। यहाँ पे क्या करिए, 1 के बाद 6 0 लगा दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्लियर है। इनटू 1 के बाद 6 0 माइनस 1, क्लियर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 6 0 लगेंगे माइनस, ये कंप्लीट नंबर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। घटाइए,
यहाँ पे डिजिट आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 छह डिजिट हैं। तो जो घटना है वो कहाँ से, ये छह लास्ट की डिजिट से। तो जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो सभी जगह 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 10, 10 में से 8 घटा देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 7 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 6 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा और 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा। ये कैरी हुआ था यहाँ पे 7 7 हो जाएगा, ठीक है 6 5 4 3 ये कंप्लीट नंबर हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा, 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 6 5 4 3 2 2 तो ये ऑप्शन है 4 3 2 2 ऑप्शन सी 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 2 बहुत ही लंबी डिजिट है इसलिए टैली कराने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं अब कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 तथा 54 से विभाजित हो जाए। तो 12 15 20 तथा 54 से विभाजित कौन सी संख्या होगी जो इसका लासा होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो एक काम करिए सबसे पहले 12 15 20 54 का लासा ले लीजिए उसके बाद बात करते हैं। एलसीएम 12 15 20 54 इसका एलसीएम लीजिए, चारों नंबर यहाँ पे किससे कट जाएंगे, 3 2 से नहीं कटेंगे, चारों 3 से काट लीजिए, 3 4 12 3 5 15 ये नहीं कटेगा, कंप्लीटली कॉपी कर लीजिए और 3 से यहाँ काट दिए, 3 1 3 3 8 24 अब ये काटिए आप, दो नंबर यहाँ 5 से कट सकते हैं, 2 से काट देते हैं, चलिए 2 2 4 5 10 2 9 18 अब ये फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 2 5 2 5 10 9 इसमें डबल 5 आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे हटा देते हैं इस 5 को, इससे कोई ले 2 5 हैं, 5 5 का लासा भी 5 होता है, मासा भी 5 होता है, कोई भी नंबर अगर रिपीटिंग है तो उसमें सेम नंबर है तो एक हटा दीजिए, जितने भी सेम नंबर हो आप हटा सकते हैं, इसको हटा लिया तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 3 2 6 6 2 12 12 5 60 9 9 6 54 540 आ गया। तो 540 का मल्टीपल इसमें होगा आंसर, तो ऐसे आप पता ही लगा सकते हैं। हमने मान लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, ठीक है तो इससे भाग दे दीजिए, 540 से भाग दीजिए इसको, एक बार में जाएगा ले जाइए पहाड़ा 540 9 में से 4 घटा देंगे 5 9 में से 5 4 540 यहाँ पे 9 उतार लीजिए, अभी 8 बार 9 बार चले जाएगा 9 4 36 3 9 6 45 3 48 नहीं जाएगा 8 बार 0 8 4 32 2 3 कैरी हो जाएगा 8 5 40 3 43 घटाइए यहाँ पे ये आ जाएगा रिमाइंडर 9 7 5 में से 3 घटा देंगे 2 279 यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नंबर है तो रिक्वायर्ड नंबर में क्या करें
इससे घटा देते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 9999 माइनस 279 यहाँ पे घटा लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल 0279। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन है 9720, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 पेनों का जो सीपी है वो है 12 पेनों के विक्रय मूल्य के, 12 पेनों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। तो अरेंजमेंट का अभी तो ये वस्तु ही है, इनका अरेंजमेंट करते हैं। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू हो जाएगा 12/18, क्योंकि यहाँ पे इनटू का साइन है, हिडन है। सीपी बटे एसपी कितना हो गया? 12/18। क्लियर? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे खरीद कितने में रहा है, ये 12 रुपये में खरीदा, ये यहाँ पे पैसा बन गया है, ठीक है ना। अब ये वस्तु ये नहीं रही, खरीदा गया है 12 रुपये का, बेचा कितने में जा रहा है? 18 रुपये में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपये का प्रॉफिट, 6 रुपये का। तो अप्लाई कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, कितना? 12 × 100। 6 × 6 = 12, ये हो जाएगा 50% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सात बटे नौ, 11/47, 5/13, 24/29, ये चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें भिन्नों का अवरोही, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो भाई घटता हुआ क्रम में सबसे बड़ा नंबर पहले होना चाहिए। क्लियर है ना? अवरोही घटता हुआ क्रम। तो चलिए हम देखते हैं घटता हुआ क्रम कौन सा है, सॉल्व कर लेते हैं। 7/9 दिया है, उसके बाद 11/47, 5/13, 24/29, ये नंबर दिया है। 7 और 9 का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 9 का अंतर होगा 2, 2 से भाग दे दीजिए, ये होगा 3.5। 11/47 का अंतर ये होगा 36, भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा लगभग में 0.3, अप्रॉक्सीमेट 0.3 आ जाएगा। 8/5 = 13, डिफरेंस यहाँ पे 8 है, 8 से भाग दे दीजिए, 8/5 = 40, 8/6 = 48, तो ये 0.6 लगभग। 5 से यहाँ भाग दे दीजिए, 24/5 = 29, 5 से अंतर से भाग दें अंश को, 5 × 20, 5/8 = 40। अवरोही, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, अगर घटता हुआ क्रम है तो सबसे बड़ा क्या होगा? पहले। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा समझ में आ रहा है? 24/29, तो 24/29, उससे उसके बाद में 7/9 हो जाएगा, और फिर ये है 5/13, और सबसे लास्ट में छोटा नंबर 11/47। ये कौन सा क्रम है? घटता क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है? 24/29, 7/9, 5/13, 11/47, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये कौन सा है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह, 13, 22, 31, 36, एक सीरीज दी है यहाँ पे, 12, 13, 22, 31, 36, 41, 43,
तिरपन तिरपन चौवन छाछठ सड़सठ सतहत्तर नब्बे सत्तानवे और अट्ठानवे लास्ट नंबर है। उपरोक्त बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी, इसमें क्या है माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को बढ़ते या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, कौन से क्रम में, बढ़ते या घटते हुए क्रम में अरेंज। तो ये डेटा जो आपको दे रखा है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पहले से ही अरेंज्ड है बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो माध्यिका का बहुत एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, मध्य का नंबर, बीच वाला नंबर। तो यहाँ पे देखिए नंबर कितने हैं टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो सोलह में एग्जैक्टली तो कोई बीच में नहीं होगा, तो एक काम करते हैं सात नंबर लेफ्ट में छोड़ देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सॉरी सात, सात नंबर यहाँ छोड़ दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात इधर छोड़ दिए, बाएं तरफ जितने छोड़े उतने ही हमने दाएं तरफ छोड़ दिए, तो ऐसे दो नंबर हमारे बचते हैं। तो इनका माध्यिका क्या हो जाएगा, तिरपन प्लस तिरपन बटे दो, दोनों समान है तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तिरपन, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है, अगर यहाँ पे विषम होते, मान लो पंद्रह होते, एक संख्या कम होती, तो जितने बाएं तरफ छोड़ दिए थे दाएं तरफ छोड़ दिए थे, जो एग्जैक्टली बीच में आ गया वो क्या होता, माध्यिका हो जाती। क्लियर है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तिरपन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। और दूसरी क्वेश्चन है यहाँ पे 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। दोनों समीकरणों को हल करके x का मान बताना है, किसका, x का मान बताना है, दोनों समीकरण हल करनी है और x का मान। तो एक काम करते हैं, x का मान अगर बताना है तो हम y वाले पक्ष को इक्वल बना लेते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड है, कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीन से, तीन तिया नौ, तीन दुना छः, सोलह तिया अड़तालीस, इस इक्वेशन को घटा लेते हैं यहाँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, घटाते समय साइन बदल दिए जाते हैं, ये घटाएंगे 6x आ जाएगा और ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 48 माइनस 18 कितना 30, ओके। तो हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, 6 पंचे 30, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक कि टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं बार बार आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा हर एक वीडियो जो हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।